सो हेलो एवरीवन, मैं अंशुमन एंड आप सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द UK07 राइडर के बारे में एंड यस गाइस, हमारे उर्फ बाबू भैया के बारे में। तो गाइस, क्या हमारे बाबू भैया बिग बॉस 17 के एक्सपोज वीडियो निकालने के बाद काफी क्रिटिसाइज हो चुके हैं एंड आज वो अपने रिसेंट व्लॉग में बताए हैं कि वो बिग बॉस के अंदर री एंट्री नहीं जाने वाले हैं। एंड वो मतलब कन्फर्म तो नहीं दिए पर थोड़ा सा यार वो इनडायरेक्टली बोले हैं। देखिए आप, इनसे अभी भी बहुत प्रेशराइज करा जा रहा था चीजें बोलने के लिए, बट मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, वो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका होगा। बट थैंक यू सो मच गाइज इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। एक टाइम पे लग रहा था चीजें ठीक नहीं होंगी, बट आज जब देख रहा हूँ ना तो चीजें इतने बड़े लेवल पे ठीक हो रही है ना, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को पता भी लग जाएगा। फिलहाल के लिए चीजें चल रही है अभी प्रोसेस में, बट मेरा डिसीजन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बिकॉज उस टेबल पे बैठना नहीं जहाँ पर इज्जत नहीं मिलनी। एंड UK07 राइडर के एक्सपोज वीडियो आने के बाद थगेश भी उनको थोड़ा सा रोस्ट करे हैं एंड यार रोस्ट के साथ उनकी वीडियो भी आ चुकी है एंड थोड़ा यार वो रोस्ट तो करे हैं पर उनको हल्का सा डिफेंड भी कर रहे हैं एंड हल्का सा आप लोग सपोर्ट भी बोल सकते हो। एंड देखो यार, आप वेट कर रहे थे कि यूके भाई बाहर आएंगे और अपना बयान देंगे, अपने साइड की स्टोरी बताएंगे एंड बताई उन्होंने। बोलते हैं ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, सबको लग रहा था यूके भाई बाहर आके व्लॉग करेंगे, यूके भाई सिर्फ कोप कर रहे हैं। एक चीज तो चेंज हुई है भाई, पहले बिग बॉस के घर में थे, अब एक बबल में। नहीं, लेकिन मानने पड़ेंगे भाई, फैंस तो बहुत डाई हार्ड है, मतलब इतने खतरनाक उनके एडिट्स बने, मजा आ रहा था एडिट देख के। मतलब बस क्रिएटिव नहीं है, पता नहीं हर एडिट में एक ही गाना क्यों डाल रहे थे। बट आई रियली फील फॉर यूके भाई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे देखे तो हम पूरी एक कम्युनिटी है, कोई यूट्यूबर अगर जाता है तो वो कैसा भी खेले हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ओके हम जोक्स बनाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई यूट्यूबर के साथ बुरा करे तो बुरा तो लगता है। अगर उनसे वॉक ऑफ शेम कराया गया, अगर उनके क्लिप डिलीट किए, स्पेशली अगर उनके घर वालों से बातचीत नहीं करने दी, घर वालों की क्लिप उन तक पहुंचाई नहीं, तो आदमी बीटी में आ जाता है घर। एंड तो चलेगा आज के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। और हाँ, ठीक 5 बजे वीडियो आ जाती है।